हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे इज़ 12th of December और अभी बज रहे हैं सुबह के 7। आज थोड़ा जल्दी मैं उठ गया बिकॉज़ कल रात को एक्चुअली ब्लॉग तकरीबन 12 बजे तक अपलोड हो गई थी, तो थैंकफुली उतना लेट हुआ नहीं, तो सुबह मैं जल्दी उठ गया। बस यही लास्ट है मेरा, इससे जल्दी 7 बजे से पहले तो मैं नहीं उठ सकता, एंड स्पेशली इन विंटर्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। एंड आज है संडे, छुट्टी का दिन है, आज मेरी क्लासेस भी ऑफ रहती हैं, आज जिम भी ऑफ है, एंड देखते हैं आज कुछ बहुत सारे थ्रू आउट द वीक्स बहुत सारे काम रहते हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो वीकडेज में नहीं हो पाती हैं, वो सारे सब कुछ मैं आज कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। चलिए अब पहले फ्रेश होते हैं, ठीक है, फिर विल हैव ब्रेकफास्ट बिकॉज आज संडे है, तो हमारे घर पे ये रूल है कि संडे को ब्रेकफास्ट में कुछ ना कुछ अच्छा बनता है, तो वो भी देख लेंगे आज क्या मिलता है। लेट्स सी वेयर इज नेहू, हियर शी इज। ओ नेहू, आप क्या बना रही हो? सोया चिली, मैं कुछ देर ये पहले सोया ऐसे भी चंक्स। ब्लॉग में बोला कि आज संडे है, कुछ स्पेशल शायद बन सकता है। यहाँ है सोया चंक्स, इसको अच्छा, फ्राई कर लिए हैं और अब ये ऑनियन और कैप्सिकम फ्राई कर रहे हैं। हाँ, तो ये सोया चंक में हम थोड़ा हाथ साफ कर देते हैं साफ करें। अब इसमें डालेंगे बिकॉज सॉस, ब्रश तो हम कर लिए। टमाटर सॉस, सोया सॉस। आप रेसिपी बता रही हो कि? नहीं, अभी इसके बाद की प्रोसेस बता रहे हैं। अच्छा लग रहा है जी, अच्छा लगता है। नेहू रियली कुक्स इट वेरी डिलीशियस, थैंक यू। बहुत डिलीशियस बनाती है ना नेहू। हाँ, ये रेसिपी पहले भी बहुत बार करेंगे। मुझको बना के खिला चुकी हैं, मुझको सिर्फ नहीं सबको ही। अगर आप लोगों को, किसी भी व्यूअर्स को इसकी रेसिपी अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, नेहू विल प्रोवाइड द रेसिपी। और नेहू बोल रही है कि बहुत इजी भी है बनाना। बाप बेटा दोनों मिलकर। ये है नेहू सोयाबीन चिली इज रेडी। और कितना टाइम नेहू इसको उतरने में? 2 मिनट्स। 2 मिनट्स, 2 मिनट्स टू सर्व। 2 मिनट्स टू सर्व, चलो। विथ नान पूरी। विथ नान पूरी, यस। वाह, अच्छी शुरुआत हो गई संडे की। देखो इसे, देखो देखो। चाचू। हाँ बिट्टू, ढोले बजाओ तुम। एक भी बर्तन ये सही नहीं रहने देगा। जा So here is my Kamlu. He is making lachcha paratha for me. Not making. I'm trying to make. Okay, he's trying to make lachcha paratha. ऐसे मत बोल रहे हैं। खराब बन गया तो बेइज्जती हो जाएगा। पोज बहुत अच्छा है लेकिन आपका। बहुत अच्छा। इधर देखिए तो सही। हाँ जी। हेलो कमलू। ओके, बनने के बाद दिखाएंगे। संडे स्पेशल। अच्छा, बनने के बाद अब दिखाएंगे बाकी का। देखिए कमलू ने बनाया है लच्छा पराठा। अभी तक बना नहीं है, बन रहा है। बन रहा है, अच्छा प्रोसेसिंग हो रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये किस जगह का मैप लग रहा है, कौन से कंटिनेंट का या फिर कौन से कंट्री का। दाग तो मिक्स हो गया, ऐसा ना बेल दिए हम। नॉर्मल पराठा बन गया। ठीक है, कोई बात नहीं। Thank you.
आ रहे हैं न्यू, मम्मी जी ने ले ला कर दिया आज हमारे मार्केट से, माला माला है माला ना। बोलते हैं अरे इसको, यार करंट तो कौन। करंट जा रहा आ रहा है बार बार तब से। थैंक यू कमलू अरे मेरा लगाने के हेयर स्टाइल लिए, ऐसा आ गया इसमें अभी। आने दीजिए। थैंक यू एक्चुअली कमलू, नहाने के बाद मैं अपने हेयर को इसी तरीके से सुखाता हूँ, इसीलिए ये अभी इस मुद्रा में है, लेकिन ये जब पूरी अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगी तो मैं फिर दिखा के आती मैं हूँ मम्मी को। हाँ होते तो फिर मैं इसे ठीक करूंगा क्या मतलब कॉम करूंगा, अदरवाइज तब तक ये ऐसे ही रहेगी। और आज तो ब्रेकफास्ट करने के बाद कोई भी क्लिप मैं नहीं ले पाया क्योंकि कुछ काम थे घर के दो चार जो मुझे कंप्लीट करने थे, बहुत दिन से ही पेंडिंग पड़े हुए थे तो उसी चीज़ में मैं बिज़ी हो गया। बट शाम के टाइम पे सारे व्यूवर्स को बहुत कुछ देखने को मिल सकता नहीं है, एक्चुअली मिलेगा क्योंकि शाम के टाइम पे मेरा और नेहू का इनविटेशन है नेहू के मम्मी पापा के घर पे डिनर के लिए। हाँ बच्चू बच्चों को दिखा दो। नहीं बेटू जीभ नहीं निकालना है अभी, ये कैमरा देखते ही बस पोज ही। नाची इसको, इतना नशा है ढोल बजाने का क्या बोले। रोहित एंड हिज बाबू बोथ ऑफ देम आर एंजॉयिंग। हेलो, अब वो छोटी छूती, अब वो सोएगा। छोटी अब उठी कोनी, देखो 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 इसकी नोटिफिकेशन, निकाल रहे रेस्क्यू कर रहे वो अपना ढोले बजाने वाला स्टिक्स को नीचे गिरा दिया। निकाल रहे अब देखते जिद कोने निकालो उसको, निकालो गिराया क्यों तुम? निकालो इधर कोनी आ गई। डंडा अब हमारी ललिता को देखो रेस्क्यू क्या लेकर आई है वो निकालने के लिए। रेस्क्यू करेगी डंडा, कोने आ जाओ यहाँ। सी ललिता इधर से उसका वो स्टिक्स निकाल रही है और उसको देखो वो उधर से झांक झांक के उधर देख रहा है कि मेरा स्टिक निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। सी 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 रेस्क्यू हो कैसे गया, देख रहा है। रेस्क्यू हो गया। स्टार्ट बजाओ तो, क्लॉक खिला देता है जी, बेटा निकाल रहा। उधर 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 आईना में। हाँ ठीक है, हो गया हो गया हो गया, होले 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 बजाओ बजाओ, चलो बजाओ। आप पहली बार नेहू एंड मी, अब हम दोनों हो चुके हैं रेडी। हम लोग जा रहे हैं नेहू के मम्मी पापा के घर, मम्मी पापा के घर आज का डिनर करने, फॉर डिनर। और क्या बोलते हैं, अभी जाते हुए हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे किधर किधर से कैसे कैसे जा रहे हैं, ठीक है? बिकॉज बहुत लंबी दूरी हम लोगों को तय करनी है जो कि 2 मिनट में तय हो जाती है, बिकॉज दुर्गापुर में हम लोग एजन टाउनशिप में रहते हैं, हमारा लोकलिटी रहीमपत है। मैं रहता हूँ स्ट्रीट नंबर 5 में और नेव के मम्मी पापा के घर है स्ट्रीट नंबर 2 में। तो अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे हमारे लोकल मार्केट, वहाँ हमें स्वीट्स लेना है, स्वीट्स लेके फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे नेहू के मम्मी पापा के घर।
सी नेहू कितनी खुश दिख रही है। अब कोई कैसे खुश ना बताओ, अपने मम्मी पापा के पास लिए है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं सबको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कितना ईगर होते हैं लोग अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए। कमेंट करें जरूर आप लोग। पहुंच गए नेहू के घर और ये मेरा फेवरेट प्लेस। हम पहले भी जब आते थे इसी जगह पे और इसी पोजीशन पे बैठे रहते थे, आज भी जब हम आते हैं तो मुझको यही पोजीशन खाली करके दे दिया जाता है स्पेशली। सी माय ब्रदर इन लॉ, बेचारा इतना शाई हो रहा है क्या मेरा में आने है, क्या बकलोल बन रहा है तू। देखो हाँ बहुत, ये पीती है मेरी सिस्टर इन लॉ एंड नेहू की सिस्टर, से हाय पीती। हाय एकदम प्यारी सिस्टर। एक्चुअली इससे पहले हम और एक बार पीती का इंट्रोडक्शन ले चुके हैं वीडियो में, लेकिन सिंस उसका हेयर उसमें कोम किया हुआ नहीं था तो वो मुझको क्या बोली कि मैं हेयर कोम करके आऊंगी तो फिर से मेरा लीजिएगा अच्छे से। तो अब हम लोग ले रहे अच्छे से पीती का। ये मेरा कॉफी मग, स्पेशल कॉफी मग है जो मेरे लिए लाया गया था यहाँ पे, नेहू लेके आई थी। हम जब भी आते हैं मुझको इसी कॉफी मग में कॉफी पिलाया जाता है। सो अब हम लोग डिनर करने जा रहे हैं, डिनर रेडी है नेहू के घर पे। पूरी बनी है, नान पूरी विथ चिली चिकन, साथ में मिर्ची भी है एंड वेस्ट बंगाल है तो रसगुल्ला एंड मिठाई छूट कैसे सकती है। अब करेंगे खाने का एंजॉय। नेहू खाने में बिजी है, उनसे नेहू से कंट्रोल नहीं हो रहा है। बहुत